वेलकम बैक टू माई चैनल मम्पी डॉट राहुल। तो अभी हम निकल रहे हैं, फिर से लाइफ पे जाना पड़ेगा। आज लास्ट उन लोगों के साथ बातें हैं, मतलब क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, आज सिलेक्ट करेंगे और चल जाएंगे। और आज हम बहुत ही सिंपल सा रेडी हुए, ओवर साइज स्वेटर पहन लिए और टी शर्ट पहन लिए और जीन्स, क्योंकि हमेशा थोड़ा बहुत मेकअप करके आता है, लेकिन आज हमको पूरा सिंपल रहने का मन किया। तो फेस पे हम ना जो हमको दिया गया है वही लगाए टोनर, बस और कुछ नहीं। चश्मा पहन लेंगे और हल्का सा एक शेड लिपस्टिक लगा लेंगे, क्योंकि हमको काजल वगैरह कुछ भी लगाने का मन जब नहीं करता ना, तब हम चश्मा पहन लेते हैं बिना पावर वाला। तो चलो निकलते हैं, क्योंकि 1 बजे निकलना है, 10 मिनट बाकी है, तब 10 मिनट में हम लिपस्टिक लगा लेंगे। और मेरा चश्मा यहीं पे रखे थे, मारा बाहर है, मम्मी मारा को बाहर ले गई, तब तक हमको निकलना है बहुत जल्दी। बैठ गए हैं मोबाइल में और अभी जा रहे हैं। और आज एक दिन में मेरा बहुत सारा काम पड़ गया, जैसे कि अभी तो हम जा रहे हैं वहाँ पे ही, वहाँ पे बोला बहुत टाइम लगेगा। और आज मेरा एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल बोल सकते हो, मतलब मेरे लिए वो बहुत खास है। अगर वो हमको थोड़ा सा हेल्प नहीं करते तो शायद हम, मेरा शादी बाबू के साथ नहीं होता। बहुत हिम्मत दिए हैं वो हमको, हम मतलब वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हम उनको, मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया इसलिए हमको वीडियो डिलीट करना पड़ा बहुत सारा। तो हाँ, उनको हम व्लॉगिंग में नहीं ले आ पाएंगे, क्योंकि कुछ फैमिली इशूज है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उनको व्लॉगिंग में नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमको बहुत मन है हम उन इंसान को आप लोगों को दिखाएं, जिसके लिए हम बाबू के पास, बाबू मेरे पास है, हम दोनों एक साथ है और इतना आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के प्यार से भी। तो आज हमको जल्दी आना है, क्योंकि वो आएंगे मेरे घर पे, तो खुद का ही है वो, इतना बोल दिए। बहुत हेल्प किए हम लोग का, बहुत, मतलब मेरा बहुत स्पेशली हेल्प किया है। तो हमको आज जल्दी घर आना है, क्योंकि हमको नहीं पता पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगेगा, बोल ही देते कि आज अगर जाएंगे ना तो उनके पास टाइम लेके जाना पड़ेगा, तो लेट हो सकता है। उसके बाद उनसे भी मिलना है, और उसके बाद मेरा अंकल है, उसका अंकल है मेरा, थोड़ा रिलेशन में हम आपको नहीं समझा पाएंगे, मेरा पापा के चाचा का बेटा, मतलब आप समझ गए, मेरा भी चाचा ही है। तो उनसे भी आज मिलना है हमको 10 बजे, क्योंकि चाचा से बहुत सारा बात, बहुत दिन चाचा से नहीं मिले हैं, चाचा का थोड़ा तबीयत खराब था, तो आज चाचा थोड़ा ठीक है, तो चाचा को बोले चलिए चाचा आज 10 बजे हम लोग बात करते हैं, तो बोले कि ठीक है हम आ जाएंगे। तो आज बहुत सारा प्लानिंग है मेरा, मतलब भैया इतना घुमा के लाए, इधर सीधा से भी तो आ सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए, क्योंकि आप पता है ये घूम रहा है, आप ठीक जहाँ पे खड़े थे ना उसके पीछे ही ये रोड है, इसलिए बोले। तो हमको भी रोड का अच्छे से पता नहीं है, पता बाबू उबर बुक के कॉल, मतलब हमको उतना रास्ता का नॉलेज है नहीं। तो चलो फिलहाल अभी जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, होपफुली जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, तब मेरा इतना सारा प्लानिंग आज सक्सेस होगा, है ना। तो और मेरा लुक कैसा लग रहा है बताना, बहुत सिंपल ही रेडी है, बहुत जल्दी सब कुछ होके हम लोग निकल आए। बहुत प्यारा, जितना भी मतलब पूरा तो रूम मतलब नहीं डिस्कस हुआ, थोड़ा बहुत बाकी है, तो हम लोग को की देने में तो लेट है, मतलब इस मंथ का लास्ट में की देगा या फेब्रवरी का फर्स्ट में की देगा, तो उसके पहले आके पूरा डिसाइड कर लेंगे। मतलब अभी जितना दूर तक ही किए हैं, 2 बेडरूम हो गया, हॉल रूम का भी एक साइड का हो गया, बाथरूम का भी एक बाथरूम हो गया, तो जो भी है बहुत प्यारा रूम सजाएंगे, आप लोगों को देखने को भी मिलेगा बहुत जल्दी। हमको नहीं पता अंदर अलाउ था कि नहीं, हम तो ब्लॉगिंग किए नहीं अंदर में, लेकिन हम बहुत हैप्पी है, मतलब जितना भी देखे ना बहुत ज़्यादा प्यारा है, और मतलब बनने वाला है एकदम कम्प्लीट होने के बाद, है ना। आपको शौक क्यों हो रहा है ऐसे? बिहार जाना है, हमको भी जाना है, पर इधर एक अलग ही खुशी मिल रहा है, मतलब जब ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा, इसी के लिए रुके हुए थे हम दोनों ने, तो हम लोग चल जाते हैं कल परसों ही, तो कल फाइनली हम लोग जा रहे हैं बिहार। खुशी देखो घर जाने का, तो सही में बहुत दिन नहीं गए, मतलब कल तो जाना ही, बाबू को भी बोले, बाबू बोले तुम चलो फिर कल आएंगे, मैंने नहीं, जो करना आज करना है, कल तो बिहार पहुंचना है, ऐसे क्या करो इसका, भूख लगाना, तो यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं खिला भी नहीं सकते हैं तुमको, खिलाओ चॉकलेट। तो अभी घर पे आ गए थे, घर से पापा के दुकान डायरेक्ट आए, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला था, बोले थे कि मेरा एक स्पेशल है जो कि आया है, वो मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम उनको दिखा नहीं सकते कुछ इशू के कारण, हाँ मना है, मेरी मम्मी वैसे टोन काट रही है, तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। भैया है मेरी, इतना बता दिए, मेरी भैया है वो, इतना बता दिए, ठीक है।
तो वो आज तो रहेंगे, फिर वो कल चल जाएंगे क्योंकि उनका बहुत बहुत बिजी व्यस्त इंसान है वो, तो कल ही वो चल जाएंगे उनका काम से। तो आज ही, आज भर टाइम है उनके साथ, और आज भी हम भी आज ही है क्योंकि कल हमको बिहार भी जाना है, तो आज भी हम भैया को टाइम दे पाएंगे, भैया हमको टाइम दिलाएंगे। और आज रात 10 बजे भी मेरा चाचा से मिलना है, मतलब अंकल से मिलना है, तो आज आज का डे मेरे लिए बहुत बिजी है। और तो मेरा बेटी आज ही भर आपके पास रहेगा, फिर कल बिहार में जाके बैठ रहेगा, है ना? इनके लिए चिल्ला चे अभी तक बोलता। अब मेरा भैया को भी दिखाना तो चाहते हैं हम लोगों को, लेकिन क्या करे, तो अभी हम लोग को भूख लगा आते आते तो सोचे हम लोग ना, तो हम लोग रोल खाने आए हैं, यहाँ का रोल पहले ही खाए, हमको अच्छा लगता है, मतलब जब हम, अरे भाई जब हम मतलब प्रेग्नेंट थे तब यहाँ पे रोल खाए थे, ब्लॉगिंग भी दे रहे थे, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ का रोल हमको। भैया प्रमोशन कर दे रहे हैं, हमसे कुछ डिस्काउंट मिलेगा हमको। तो चलो जल्दी से रोल खा रहे और जा रहे पापा की दुकान, हमको कुछ लेना है पापा की दुकान से, क्योंकि कल तो हर बिहार ट्रेन में झुक 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 झुक। अभी मम्मा गोदी में नहीं लेगी आपको, चल जाएंगे, आप हमको मिस करोगे। हाँ जाएगा पड़ेगा, चाहे बोल चलो उधर नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ भैया बैठे, सकाल में इसलिए भैया बोले हैं कि हमको नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा आस्ते आस्ते ना हो, और हम उनका पीप कर देंगे, वो उनका वॉइस हम पीप कर देंगे, क्या सुगदर उनके से मेरे दी स्टिकर मेरे दी और की कथा बोल बिना चुप की आज चुप कदबा कदबा कुछिस কেন কয় এমনি কত কোথা থেকে কখন এসছি মানে আমি তো বললাম যে এমন খেয়ে চলে গেল মন রে ও আমি বলতেছি কি তুই মরে যা আমি বলতাছি মেয়েটাকে দেখে না কিছু না যা এখান থেকে দেখি গাইজ আমাকে মর জানে কে লিয়ে বল রা আপ বাতাও আমি বলছি সবাই ওকে বলো মেয়েটার জন্য পার্সোনাল একজন কাউকে রাখছি না কারণ তুই যখন দেখতে না মেয়েটাকে আমি মেয়েরা এক ঘুষি আমায় লা কি দাও বেটা লড়কি বাস মামি 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 আর হাম আজ আগে থোড়া বহুত कुछ खरीदे है, जो कि है ये क्लिप मेरे लिए लिए है, कहीं पे भी जाए ना हम तो क्लिप लेंगे, 10 गो क्लिप खरीदते हैं और कुछ ना कुछ खर... ए, चुप कर, बंगाली लोग ऐसे ही बात करते हैं ना, एवं बोल के दिखाओ, अरे दिन दबर बाजू है बैड है भी दुआ करते हैं सुधुरा कर, देखो 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 मेरे को तो हाथ उठे चाहे सायर गोला ना की मेरा पापा को अगर हम ताल बोलेंगे मेरा पापा मिश्री सुनेंगे, और अगर मेरा पापा को हम मिश्री बोलेंगे तो मेरा पापा ताल सुनेंगे, हम नहीं सुनेगा, तू आप तो सब सुनता है, आपका कान तो साफा है, पापा को हम एक ब्लू पन्नी ही मांगे तो पापा हमको क्या कर रहे पता, वो ब्लू पन्नी में कचरा भर दिए और कचरा भर के हमको दे रहे, हमको हम कचरा लेके क्या करेंगे, खाएंगे। तो गाइस आज के लिए ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता है, होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, और नहीं भी अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट में प्यारा प्यारा ही कमेंट्स करके जाना, हमको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बाय करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।